मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक पूर्व रणजी प्लेयर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को आंध्र प्रदेश के सीएम का पीए बताकर बड़े बड़े लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आपला स्वामी बुरुमुड़ है, जो आंध्र प्रदेश की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। दरअसल मुंबई की साइबर सेल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम पर उसके साथ लगभग 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिकायतकर्ता से क्रिकेट किट स्पॉन्सरशिप के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी साइबर सेल को कथित आरोपी के आंध्र प्रदेश में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद एक टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। ठगी करने वाले पूर्व रणजी क्रिकेटर के पास से साइबर सेल ने ठगी के करीब 7.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। संगठन के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मोडस ऑपरेंडी के तहत पहले देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से संपर्क करता और खुद को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पीए बताकर उन्हें अपने झांसे लेता। कथित आरोपी क्रिकेटरों के लिए किट स्पॉन्सरशिप करने की मांग करता था। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी ने आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर बैंक खाता खोल रखे थे ताकि किसी को शक ना हो, और उसी खाते में फिर वह पैसे जमा करवाता था। इसके अलावा आरोपी ने आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दस्तावेज और फर्जी लेटर हेड भी बनाकर रखे थे। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक कथित आरोपी ने देश के अलग अलग लोगों से कई बार ठगी की है और उसके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी साल 2016-17 में आंध्र प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेट खेल चुका है। फिलहाल साइबर सेल ने उसे जेल भेज दिया है और उसे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पास में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से बोल रहे और हमें स्पॉन्सरशिप दे दो, ऐसे क्रिकेट के लिए स्पॉन्सरशिप दो, ऐसा कॉल एक मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर को आया था। उसके हिसाब से यहाँ पे एक FIR दाखिल थी चीटिंग की और फॉर्जरी की। उसकी जांच मुंबई पुलिस साइबर वेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने की है। इसमें सब एनालिसिस करने के बाद में सामने आया कि नागाराजू अप्पला स्वामी बुड्डूमुरु नाम का 28 साल का जो आदमी है, उन्होंने ये फ्रॉड कॉल किया था और उन्हीं के अकाउंट में पैसे चले गए थे। इन्होंने इसमें आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन का जो लेटर हेड उसका भी गैर इस्तेमाल किया है। उसके बाद में एक बैंक अकाउंट है उनके नाम से जो आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से, उसका भी गैर इस्तेमाल किया है। उन्होंने वहाँ के जो मुख्यमंत्री है माननीय, उनका भी नाम का गैर इस्तेमाल करके उनका DP का यूज़ करके उनके PA बात कर रहे ऐसा बता के उन्होंने यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ओनर हैं उनसे करीबन 12 लाख रुपए ठगे थे, जिसमें से अभी 7.5 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं। और ये जो एक्यूज़ है, ये एक्यूज़ को अरेस्ट करने के बाद में पता चला है कि एक क्रिकेट भी खेलता था। 2016 से 18 के बीच में ये आंध्र प्रदेश के राज्य के टीम के लिए भी चुना गया था। उसके बाद में वो हैदराबाद सनराइज़र टीम के लिए भी चुना गया था। तो ये क्रिकेटर भी हैं। इन्होंने इस टाइप के फ्रॉड इसके पहले भी किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 30 से ज़्यादा FIR इनके ऊपर में दाखिल है।